नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी पर। और आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु का, जो गोचर होने वाला है सितंबर 2020। ये तारीख है 22 सितंबर 2020 को राहु महाराज प्रवेश करने वाले हैं वृषभ राशि में, और केतु महाराज प्रवेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। स्कॉर्पियो में केतु होंगे और टॉरस में राहु होंगे। तो ये अंग्रेजी वर्जन इसका पहले बना लिया है मैंने, और उस पे तकरीबन 25,000 व्यूज भी आ गए। तो अगर आप अंग्रेजी चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं, और अगर आप हिंदी चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। और इस पे हम लग्न के अनुसार हम चर्चा करेंगे 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और कुछ हर एक राशि के लिए मैंने इधर मंत्र दिए हैं, तीन तीन मंत्र दिए हैं, जो कि मैंने अंग्रेजी वीडियो में भी दिया है। तो ये गोचर होने में अभी बहुत समय है, लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाला है ये गोचर, क्योंकि अभी भी राहु केतु उच्च स्थिति में है। और कुछ कुछ शास्त्र ये भी बताते हैं कि वृषभ और वृश्चिक भी राहु केतु के लिए उच्च राशियां होती है। तो इसलिए जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में गोचर करता है या नीच राशि में गोचर करता है, जैसा गुरु अभी नीच का है, अभी थोड़े टाइम के लिए वो मकर राशि में है, फिर से धनु में वापस जाएगा, और उसके बाद साल के अंत में वो फिर से मकर राशि में चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रह ऊंच या नीच का होता है तो कुछ मंत्र वगैरह हमें करने चाहिए, ताकि उसकी शक्तियों को हम अपने जीवन में अच्छे से उतार सके, उन शक्तियों को। और इसके पहले मैं शुरू करूं तो आप सबको मैं अक्षय तृतीया की बधाई दे देता हूं, क्योंकि आज का ही वो दिन है अक्षय तृतीया, जब सूर्य चंद्र दोनों ही उच्च के हैं, और आज रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा, और इसके साथ रोहिणी नक्षत्र में शुक्र भी विराजमान है, और गुरु महाराज मकर राशि में है नीच के, मंगल उच्च के है मकर राशि में, और शनि महाराज स्वय राशि के हैं। तो ये बहुत ही पावन दिन है। तो ये दिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके और आपके पूरे परिवार के लिए आने वाला जो नया साल है बहुत ही अच्छा जाए, और आप सबकी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ, आज का जो दिन है अत्यंत शुभ माना जाता है ये, क्योंकि आज के दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए। तो अगर कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं आज, हालांकि लॉकडाउन है पूरे दुनिया में, लेकिन फिर भी आप घर बैठे बैठे कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि 10 चीजें जो आप अक्षय तृतीया में कर सकते हैं, तो ये वीडियो नीचे है, तो अगर आप ये आज देख रहे हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गोचर कैसा होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा थोड़ा टाइम बाद। तो ये सबसे पहले इसका फोकस होगा इंटेंसिटी पे। मैंने 5 चीजें नोटिस करी है कि मुझे लगता है ये 5 चीजों पे बहुत ज्यादा रुझान बढ़ जाएगा लोगों का। तो सबसे पहले है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का जब मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो ऐसा कोई शब्द तो है नहीं, लेकिन आ रहा था कि रचनात्मकता। तो जैसे लोगों का अलग अलग चीजों में रुचि बहुत बढ़ जाएगा, जैसे गाना गाना हो, या फिर नाचना हो, या फिर चित्र बनाना हो, या कोई भी चीज आपके घर को और अच्छे तरीके से सजाना हो। क्योंकि जो वृषभ राशि है उसके अंदर ऐसे नक्षत्र पाए जाते हैं, जैसे मृगशिरा हो गया, जैसे रोहिणी हो गया, ये सब ये नक्षत्र ये दर्शाते हैं कि हम हमारे घर के अंदर जो चीजें हैं, या हम अपने आप को, या हमारे बाहर जो चीजें हैं उनको और दिखने में और सुंदरता लाना चाहते हैं उनमें। तो ये आप देखेंगे लोग नई नई रचनाएं करेंगे, और लोग अलग अलग चीजों में रुचि लोगों की बहुत बढ़ जाएगी ना, जैसे फिल्म देखने में या एक दूसरे से मिलने में। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो ये भी बताता है कि हम किसी की कितने लोगों से मिलते हैं। तो जैसे कि स्वाभाविक है, जैसा अभी ये लॉकडाउन चालू है, तो जब थोड़ा टाइम बाद धीरे धीरे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो लोग पहले से भी ज्यादा तेजी से एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से हफ्तों महीनों से नहीं मिले जब से ये लॉकडाउन हुआ है। तो
ये स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे ही मृगशिरा में राहु महाराज प्रवेश करेंगे तो तब से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मृगशिरा आपका मिथुन राशि से ही शुरू होता है तो इसके प्रभाव आपको पहले से ही दिखने लग जाएंगे। जहां तक मुझे याद है 8 मई को राहु घुसने वाला है मृगशिरा में, जो मिथुन राशि के अंदर आता है, चौथा और तीसरा पद। तो तब से ही आपको ये चीजों का प्रभाव दिखने लग जाएगा। इसके बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अर्थात जो भी लोग कर रहे हैं उसको और दिल से करेंगे लोग, क्योंकि जो आपका वृश्चिक राशि है वो अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखें तो अष्टम भाव है, 8वीं राशि है। तो अष्टम भाव का ये ट्रेट है इंटेंसिटी की, जो भी करे उसको पूरा दिल से करे। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उनके लाइफ उनके जीवन में पहले बहुत सारी चीजें थी लेकिन अभी वो नहीं है, तो इसके वजह से लोग जो जो भी चीजें है उनको और मान्यताएं दे रहे हैं उनके जीवन में। अभी जो चीजें है तो अभी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अध्यात्म में जो से जोड़ने की, और मंत्र वगैरह करने में बहुत रुचि रख रहे हैं लोग। उसके बाद जो जप है वो कर रहे हैं। उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो भगवद गीता भी पढ़ना शुरू किए हैं ये लॉकडाउन के बाद। तो जो भी कर रहे हैं जीवन में तो उसको और अधिक उसमें मन लगाएंगे ना, तो क्योंकि वृश्चिक राशि जो है ना वो एकदम जैसे कहते हैं ना, वृश्चिक मतलब बिच्छू। तो ये ऐसा है कि जो भी है उसमें बहुत तीव्रता ला देता है ये राशि। तो इसके बाद फूड जो कि है आहार आपका, तो ये जरूर होगा कि जैसे राहु जब घुसेंगे तो राहु के तो साथ में ही घुसते हैं, तो ये देखने को आपको जरूर मिलेगा कि जो हमारे जो रेस्टोरेंट जो खान पान की जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी बहुत बहुत टाइम से लोग ये रेस्टोरेंट या ये टूरिज्म वगैरह इंडस्ट्री में गए नहीं है तकरीबन 2-3 महीने से ये लॉकडाउन के वजह से। तो इसके वजह से ये आपको देखने को मिलेगा सितंबर के बाद से कि ये जो आपका लॉकडाउन जब से उठेगा तो लोग अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे रेस्टोरेंट वगैरह में जाके ना, नई 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 चीजें ट्राई करेंगे खाने के लिए। जो उत्तर भारत से वो बोलेगा मुझे दक्षिण भारत का खाना है, जो दक्षिण का है वो बोलेगा मैं गुजराती खाना खाना चाहता हूँ, मैं मराठी खाना खाना चाहता हूँ, जो बंगाल से वो बोलेगा मैं नागालैंड का भोजन ट्राई करना चाहता हूँ। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद डेप्थ, तो डेप्थ मतलब जैसा इंटेंसिटी जैसा ही हो गया, और गहराई में जाना। तो आप देखेंगे कि लोग जो भी कर रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं करेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, और लोग ये भी सोचेंगे कि अगर ये एरिया मेरे लाइफ में नहीं रहा तो जैसे अभी जैसे ये लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे दोस्तों से मिलता था लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से मैं किसी से नहीं मिल पा रहा हूँ। हाँ, तो पहले हम ऐसे ही नजरअंदाज कर देते थे सब चीजों को, लेकिन आप देखिएगा सितंबर के बाद लोग ज्यादा भावुक हो जाएंगे कि चलो ये लोग मेरी जिंदगी में थे, 6 महीने से मैं इनको मिला नहीं। तो ये भी बहुत एक अच्छा अनुभव होने वाला है। उसके बाद जैसा वैज्ञानिक चीजों पे रिसर्च बहुत बढ़ जाएगा, या लोग अपने ही दुनिया में अपने ही कामकाज में रिसर्च और ज्यादा करने लगेंगे। तो इसीलिए ये अगर आप कोई पीएचडी या पोस्ट डॉक ऐसी कोई चीजों से आप जुड़े हुए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और अभी शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो मैं चीजें बताऊंगा आपको आपके लग्न के अनुसार, तो ये आपको पहले आपको अपनी दशाएं देखनी है, इसके उपरांत ही आप कृपया अपने लग्न पे जाइए। क्योंकि अगर आप अपनी दशा देखे बिना अगर आप ये अपना लग्न देख के सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सबके लिए होगा फलित, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग कुंडली है, ठीक है। तो आप शायद टीवी में देखते होंगे कि मेष राशि का क्या फल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ज्योतिष में। जिनको भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है उनको पता है कि सबसे पहले कुंडली देखा जाता है, फिर दशाएं देखी जाती है,
कुंडली मतलब ग्रह कैसे है, कहाँ कौन बैठा है, कौन कितना शक्तिशाली है, कौन स्वय राशि का है, कौन उच्च का है, कौन मूल त्रिकोण में, कौन नीच का है, कौन शत्रु राशि में, उसके बाद कैसे कैसे योग है, फिर नवांश दशांश, ये सारी कुंडलियां भी देखी जाती है। उसके बाद हमारे लग्न कुंडली की जो दशाएं है वो देखी जाती है, क्योंकि जब तक आप दशा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ग्रह मुझे अभी फिलहाल इस समय कौन सा ग्रह मुझे ये फल देने वाला है। क्योंकि आपका हो सकता है शुक्र महादशा चल रहा है, हो सकता है आपका गुरु अंतर दशा चल रहा है, और हो सकता है आपका सूर्य प्रत्यंतर चल रहा है। तो आपका गुरु शुक्र और सूर्य ये जहां जिस घर में जिस राशि में बैठे तो उस तरीके के फल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जैसा मैंने यहाँ कहा था कि ये तीन तीन मंत्र मैंने दिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात। तो ये एक ओम नमो नारायणाय, जैसे उदाहरण के तौर पे मेष राशि के लिए ये ओम नमो नारायणाय हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, फिर पूर्णा मंत्र नीचे है। तो इनका ये सारे मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दिया है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख सकता है। ठीक है, ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि का जो गोचर होने वाला है ये बहुत ही बढ़िया गोचर होने वाला है, क्योंकि ये दूसरे घर में होने वाला है और अष्टम स्थान में भी होने वाला है। तो राहु दूसरे घर में, केतु अष्टम भाव में। तो दूसरा घर जैसा आप जानते हैं कुटुंब का भाव है, ये आपके परिवार वालों को दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा घर शादी विवाह से पूर्व वाला घर है और चौथा घर विवाह के बाद वाला है, पहले और बाद, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि दूसरा घर जो है वो हमेशा ही आपका घर होता है। तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है उसे कोई लेना देना नहीं है दूसरे घर का। अगर आपकी शादी हो गई है तो ये राहु दूसरे घर में जाएगा, तो आपकी दशाएं जैसे बता रही है तो उसके अनुसार आप देखेंगे कि ये जो चीजें मैंने लिख के रखा है, जैसे क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी, फूड, डेप्थ रिसर्च, ये सारी चीजें दूसरे घर में आना शुरू हो जाएगा इनके प्रभाव। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके घर वालों के साथ और भी अलग अलग तरीके के खान पान खाने का मन करे, हो सकता है आपको घर और सुंदर करने का मन करे, इंटीरियर डिजाइन वगैरह आप कर सकते हैं अगर आप करने के इच्छुक है। इसके अलावा क्योंकि राहु जो है वो जो हमारा कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी भी राहु को माना जाता है शनि के अलावा, और कुंभ राशि जो है कालपुरुष कुंडली में 11वां एकादश भाव है जो कि लाभ भाव है, और कुंभ राशि जो है आपका पैसा भी दर्शाता है, क्योंकि एकादश जो है वो धन स्थान भी है, जैसे 2, 6, 10, 11 हम जानते हैं ना, अर्थ त्रिकोण जैसे अर्थ त्रिकोण तो नहीं है लेकिन 11वां जो है वो काम त्रिकोण है, लेकिन ये जब भी 2, 6 या 10 के साथ जुड़ता है तो अधिक से अधिक धन की वर्षा होती है, मैंने ऐसा देखा है, स्पेशली अगर 10वें से जुड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई दशाएं चल रही है कुछ ग्रहों की जो 2, 6, 10, 11 में बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो, क्योंकि अभी राहु जहां भी जाता है उसको विस्तार कर देता है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अधिक से अधिक धनराशि की प्राप्ति हो। इसके अलावा अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए भी बहुत अच्छा ही होगी, क्योंकि दूसरा घर जो है वो विवाह का भी घर होता है, और जो ग्रह जैसे है उस टाइप के लोग आपको मिल सकते हैं। अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो आपको अपने ही धर्म या अपने ही संप्रदाय के कोई मिल सकता है। अगर शनि राहु केतु है तो ऐसा हो सकता है कि आपके जैसा अगर आप मान लीजिए गुजराती है तो हो सकता है कोई मराठी मिल सकता है, अगर आप बंगाली है तो कोई आसाम से कोई हो सकता है। तो ऐसे में उदाहरण दे रहा हूँ और बाकी तो आपके कुंडली पे निर्भर करेगा। फिर केतु महाराज आपके अष्टम स्थान में जाएंगे, तो केतु जो अष्टम में जाएगा ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सही है। अगर आप कोई भी जगह में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें और डेप्थ में घुसिए, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए।
और नई नई चीजें सोचे, क्योंकि केतु का जो होता है ना सिर नहीं होता है, तो कभी कभार आपको लग सकता है कि मुझे ये एरिया में क्यों प्रगति नहीं हो रहा है, लेकिन केतु चाहता है कि आप कुछ अलग सोचे, नया सोचे। तो आप अपने जीवन में देखिए, कोई भी हिस्सा हो जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो आप ये देखिए कि मैं इसमें क्या नया डाल सकता हूँ जो मैंने कभी पहले नहीं डाला, जो किसी और ने नहीं डाला। तो जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, तो केतु महाराज चाहते थे कि मैं कोई नया आविष्कार करूं ना, तो उस वजह से कोई भी जगह हिस्सा हो वो आपके दशाओं पे निर्भर करेगा, किस जगह पे ये हो रहा है, ये अष्टम में जो गोचर होगा ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी भी जगह पे आपको अगर सफलता नहीं मिल रही, तो आप ऐसे देखिए कि मैंने ऐसा क्या करूं अभी जो मैंने पहले कभी भी नहीं किया है, तो ये एक बार आप ट्राई करिए, अलग अलग टेक्निक्स ढूंढिए, तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। ठीक है, तो मंत्रों में आप ओम नमो नारायणाय जप सकते 108 बार, उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जप सकते हैं। फिर पूर्णा मंत्र थोड़ा लंबा है, नीचे देखे रखा है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा अवस्थम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा भय अभ्यंतर सूची। तो ये तीन मंत्र आप जप सकते हैं और बाकी आपकी दशाएं जो बोल रही उसके अनुसार आपको फल मिलता रहेगा। तो मेरी शुभकामनाएं मेष राशि के लिए, और अभी चलते हैं वृषभ लगन की ओर। वृषभ लगन जिसका है, तो वृषभ लगन वालों के लिए ये गोचर उनके लग्न में ही हो रहा है, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि राशि ही वृषभ है और केतु उनके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इनके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पूर्ण मंत्र बहुत आवश्यक है ये, उसके उपरांत ये हरे कृष्ण महामंत्र आप जप सकते हैं, उसके उपरांत ओम नमो भगवते नरसिंहाय ये तीन मंत्र आप जप सकते हैं। तो ये पूर्ण मंत्र नीचे है, तो ये पूर्ण मंत्र है यहाँ पे, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा अवस्थम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सा भय अभ्यंतर सूची। उसके बाद ये हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके उपरांत ये मंत्र आप बहुत जरूरी है आपके लिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, और नरसिंह चतुर्दशी भी आ रहा है 5 मई को, तो ये मंत्र आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी चर्चा करते हैं कि ये लग्न और सप्तम पे कैसा होने वाला है। तो जैसे तो आपका जो आपकी जो दशाएं है, जिन ग्रहों की दशाएं है, अंतर दशा और महादशा जिसकी है, उसके अनुसार आपको इसका फल मिलेगा। तो अर्थात अगर आपकी दशाओं में दसवां घर में कोई ग्रह बैठा है, या लगन में कोई ग्रह बैठा है, या एकादश में कोई ग्रह बैठा है 1, 10, 11 में, या पंचम या नवम पे भी कोई ग्रह बैठा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारा आपका नाम इज्जत शौहरत बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी भी वजह से। वो ग्रह जैसा है उसके वजह से बढ़ेगा। अगर गुरु है तो ऐसा हो सकता है कोई ज्ञान आप दे किसी को, जिसके वजह से आपका औदा बहुत बढ़ गया समाज में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब राहु लगन में गोचर करता है, तो ये हमेशा ही याद रखिए कि ये 12वें स्थान से आ रहा है, 12वें स्थान से आपके लगन में आएगा। ठीक है, तो इसके वजह से आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि जो जिस प्रकार की चीजें मेरे जीवन में हो रही है वो पहले कभी नहीं हुई है। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जो नए नए लोग होंगे, हो सकता है अगर आप ऐसा हो सकता है कोई विदेशी मिले, या अगर आप दिल्ली से है, हो सकता है कोई तमिलनाडु से कोई लोग आ जाए आपको मिल जाए, या हो सकता है कि आप ऐसा एक कंपनी ज्वाइन करें नौकरी करने के लिए। जैसा मान लीजिए आप कोई बोले किसी भी धर्म के, मान लीजिए आप हिंदू है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बॉस हो सकता है वो पारसी हो, या वो मुसलमान हो, या ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ऐसा तो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदू है तो आपका जो बॉस है वो भी हिंदू होगा। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, हर एक एरिया में आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी अलग है। तो अगर आपका 11वां घर संबोधित हो रहा है, तो ऐसा आपको लग सकता है जो आपके रिश्तेदार है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी कुछ लोगों से जो जिनसे आप बातचीत नहीं किए थे, तो उन लोगों से आप अचानक बात करने लगे, अचानक जिनसे 15-20 साल पहले आपने बात किया था, अचानक अभी वो लोग फिर से आ गए। मान लीजिए कोई आपका चाचा या मामा हो जिनसे कभी बात नहीं होता था,
तो वो भी राहु जैसे हो गए, मतलब जो थोड़े अलग टाइप के हैं, जिनसे आपका ज्यादा ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है, हो सकता है वो लोग आ जाए आपके लाइफ में। इसके अलावा केतु जो है सप्तम भाव में है, तो अगर आप विवाहित है तो ये हो सकता है कि आपका और जीवन साथी के बीच कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए कि क्योंकि केतु जहां पे भी जाता है ना, वो चाहता है कि आप आध्यात्मिक चीजों में रुझान पैदा करें, ठीक है। तो इसके वजह से केतु जब सप्तम में जाता है तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप और आपके जीवन साथी जो है दोनों मिलके आध्यात्मिक चीजें करें, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, अगर आप मुस्लिम है तो कुरान पढ़िए, अगर आप क्रिश्चियन ईसाई है तो आप ये बाइबल पढ़ सकते हैं या तोरा पढ़ सकते हैं या धर्मपदा, जो भी आपका धर्म है वो भी उसके अनुसार आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप करेंगे तो आपकी दशा कितनी भी खराब हो, आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं कि ये वृषभ राशि के लिए केतु सप्तम में आएगा तो शादी टूट जाएगी, इन पे भरोसा मत करिए, ठीक है। आध्यात्मिक चीजें करिए, मंत्र करिए और सात्विक भोजन खाइए, और दोनों साथ मिलके करिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए तीन, ये दो मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ये बहुत जरूरी आपके लिए। उसके उपरांत हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके ये दो मंत्र आपको करने हैं 108 माला, 108 बार, सॉरी माला नहीं, एक माला 108 बार, ये दो मंत्र आपको करने हैं। इसके उपरांत आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि आप जानते होंगे, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, तो आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तकरीबन आधा घंटा लगता है, इसको आप एक बार सुन लीजिए, और ये दो मंत्र आप रोज सुबह उठ के 108 बार खत्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी गोचर पे चलते हैं। आपका गोचर हो रहा है द्वादश पे, और केतु महाराज होंगे आपके छठे घर में। तो राहु जैसे द्वादश में गोचर करेगा तो आपकी दशाएं जैसी बता रही है तो वैसे इसको आपका फल मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो तीसरे, नौवे या बारहवें घर से जुड़े हुए, तो ऐसा हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिले, और क्योंकि ये राहु है तो वो ऐसी ऐसे देश हो सकते हैं जैसे दुबई हो गया, या जैसे ईरान हो गया, या इराक हो गया, या कतार हो गया, ओमान हो गया, जो ऐसी देश, ऐसे देश जो है, क्योंकि राहु जो है वो यवन है, वो मुसलमान देश को दर्शाता है राहु, ठीक है। तो अगर आपके कुंडली में ऐसे योग बन रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में दुबई जाए, या किसी काम के सिलसिले में ओमान या कतार, ऐसे देशों में जाए। वो आपकी ग्रह जैसे दशा, ग्रहों की जैसी दशा आपकी कुंडली में है वो पहले देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके उपरांत आपको ये भी देखना पड़ेगा कि और कैसे जो बाकी ग्रह है वो कैसे है। तो मान लीजिए आपका एक ग्रह है बारहवें घर में, ठीक है, उसकी महादशा चल रही है, और दूसरा ग्रह है आपके दसवें घर में जिसके अंतर्दशा चल रही है, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। तो इसके चक्कर में क्या हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं, या ऐसा हो सकता है आपको वहां जाके कोई प्रमोशन मिल जाए आपके नौकरी में, या कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाए, या ऐसा हो सकता है कोई, अगर शुक्र और गुरु भी जुड़ गए तो ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल सकता है आपको, बहुत बड़ा कोई नाम सम्मान मिल सकता है आपको बाहर जाके। तो इसीलिए पहले दशाएं देखिए, और मान लीजिए आपका चौथे घर का दशा है, पांचवें घर का या नौवें घर का दशा है, कोई ग्रह बैठा है मान लीजिए, तो आप अगर बाहर गए तो ये हो सकता है आप उच्च शिक्षा के लिए जाए, मान लीजिए मास्टर्स के लिए आप गए, या हो सकता है आप बैचलर्स के लिए गए, या पीएचडी के लिए आप गए ना, तो ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार पता चलेगा कि किस लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। तो बस बारहवें घर में है इसलिए बोल देना कि विदेश यात्रा होगी, जरूरी नहीं। तो अगर नौवे और पांचवे का संबंध किसी तरीके से बन रहा है आपके कुंडली में तो ऐसा हो सकता है कि आप ये जो धार्मिक स्थलों पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए गुजरात में रहते तो आप इस बार
नाथ द्वारा ना जाके आप तिरुपति चले जाए, और जो चेन्नई में रहता है हो सकता है वो वृंदावन आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा राहु का कैसा गोचर हो रहा है। और केतु जो है छठे घर में आपका गोचर करेगा, तो केतु जब छठे घर में गोचर करता है तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का। सेहत का ध्यान रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका सेहत बिगड़ जाएगा, ये मत सोचिए। वो तभी बिगड़ेगा अगर आपकी दशाएं वो बता रही है, ठीक है। लेकिन आपको अपने साइड से क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु चाहता है कि आप सात्विक भोजन खाए, तो अगर आप मांस अंडा या मछली ये सब खा रहे हैं तो इनका त्याग कर दीजिए पूरा परमानेंटली, एकदम इन सबको छोड़ दीजिए। अगर शराब पीते हैं तो मत पीजिए। कोई भी राजसिक पदार्थ अगर आप सेवन करते हैं तो वो कम से कम मात्रा में करिए, या तो पूरा ही छोड़ दीजिए। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई केतु आपको ऐसा कोई एक इंडिकेशन दे दे कि बाद में डॉक्टर आपको बोल सकता है कि वो ये बीमारी आपको लग गई है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केतु आके आपको बीमारी देके जाता है, केतु बस ये दिखा देता है कि देखो आप सात्विक भोजन नहीं कर रहे थे, और आपके लाइफ में ना एक डिसिप्लिन रखिए, अनुशासन रखिए, तब केतु आपको अच्छे फल ही देगा। आप देखिएगा आपका तबीयत सुधर गया है, पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए, ताकतवर हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इसको गलत तरीके से मत लीजिए, इसको अच्छे ढंग से इसका उपयोग करिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि के लिए तीन मंत्र है, एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार, इसके बाद ओम नमो भगवते नरसिंहाय, बहुत जरूरी आपके लिए, नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है 5 मई को। उसके उपरांत पूर्ण मंत्र है जो मैंने नीचे लिख रखा है, पूर्ण मंत्र अर्थात ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायव्यंतर शुचि। तो ये तीन मंत्र 108 बार करना आपके लिए बहुत आवश्यक है कर्क राशि के लिए। उसके उपरांत राहु आपके 11वें घर में एकादश में गोचर करेंगे, और केतु आपके 5वें स्थान में गोचर करेंगे। तो आपकी दशाएं अगर 10वें या 11वें घर से संबंधित है, मान लीजिए आपका मंगल महादशा चल रहा है और बुध की अंतर दशा चल रही है, और मान लीजिए आपका मंगल 10वें में है और बुध आपके 11वें स्थान में, तो ये जो राहु 11वें घर में आपका घुसेगा ये मालामाल कर देगा आपको, इतना धनराशि देगा आप सोच भी नहीं सकते, जितना जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना भी दे सकता है अगर आपकी दशाएं वैसी है तो, ठीक है। और एकादश जो है अगर आपकी दशाएं दूसरे सप्तम या 11वें घर से संबंधित है, या मैं कहूंगा दूसरे या सप्तम से, और अगर आप विवाहित नहीं है और अगर आप विवाह करना चाहते हैं किसी से, तो ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह हो जाए, ठीक है। तो 11वां घर, और अगर आप कोई 11वां घर लाभ भाव है, किसी भी भाव का लाभ देगा आपको, तो ये आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है उसके अनुसार आपको समझ में आएगा कि किस संबंध में मुझे लाभ होगा। और 11वां घर जो है ये आपके दोस्तों और जो आपके करीबी रिश्तेदार है ना, उनका भी होता है, दूसरा घर भी होता है, 11वां घर भी होता है। तो इसलिए 11वां घर जब भी आता है आपको हमेशा ये चीज समझना चाहिए कि 11वां घर ये लोग है, वो लोग है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग प्रांत या अलग अलग, जैसे अगर आप मान लीजिए तमिलियन है तो हो सकता है आपको कोई गुजराती मिल जाए, या कोई बंगाल से कोई मिल जाए, कोई बिहार से कोई मिल जाए, क्योंकि राहु है ना वो सभ्यता तोड़ता है, मतलब कि वो जैसे कहते हैं कि मतलब अगर आप मान लीजिए यूपी से है तो ऐसा नहीं कि यूपी वाला मिलेगा, हो सकता है कर्नाटक वाला मिल जाए आपको। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा संस्था के साथ आप जुड़ जाए ना, जो आपके वेशभूषा जिनसे अलग है या जिनसे खान पान अलग है, जो कि हो ही जाता है क्योंकि भारत में इतने सारे प्रांत है, तो ऐसा हो सकता है, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप वाहन खरीदने के इच्छुक है तो ये अच्छा टाइम है, अगर आपके चौथे घर से संबंधित है दशा और शुक्र महाराज आ रहे हैं दशा में, तब वाहन संबंधित सुख आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई प्रमोशन के इच्छुक है तो ये सबसे बढ़िया टाइम है राहु के लिए, 11वां घर सबसे अच्छा होता है, और
ये आपको बहुत बड़ा प्रमोशन दे सकता है, ठीक है। अगर आपकी दशाएं अच्छी है तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती है जो कभी नहीं हुई आपके जीवन में, ठीक है। तो इसका अच्छे से सदुपयोग करिए। और इसके अलावा केतु जो है पंचम भाव में गोचर करेगा, तो मैं कह देता हूँ कर्क राशि वालों को कि आपके लिए ये 3 मंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब 12 राशियों में आपके लिए मंत्र, ये 3 मंत्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो मंत्र का स्थान होता है, गुरु दीक्षा का स्थान होता है। तो पंचम भाव में आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे हमेशा ही मंत्र वगैरह करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पूर्ण मंत्र आप करिए, और ओम नमो भगवते वासुदेव बहुत जरूरी है आपके लिए, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय भी बहुत जरूरी है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, आप अंदर से आप और ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, और बाकी जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपको बोलेंगे कि आपका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। और अगर अगर आपके संतान है तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने संतानों के साथ मिल बैठ के उनको भी माला जप करवाए, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनके लिए भी, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई नया आध्यात्मिक कार्य आप शुरू करें तो ये सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला है केतु जब पंचम में रहता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न की ओर। तो ये गोचर आपके 10वें घर में होने वाला है और 4थे घर में होने वाला है। तो आपके लिए सबसे जरूरी है पूर्ण मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर ओम नमो भगवते श्री वामन आया, ये वामन देव का मंत्र है। तो पूर्ण मंत्र नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षम स बह्याभ्यंतर शुचि। तो उसके उपरांत ये हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंह लगन वालों के लिए ये 3 मंत्र अत्यंत आवश्यक है, और ये राहु का जो गोचर है ये 10वें घर में होने वाला है। तो 10वां घर आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का है, तो इसमें आपकी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है अगर आपकी दशाएं ऐसी बता रही है। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है, तो अब ये देखिए आपकी दशाएं क्या बता रहे हैं। तो मान लीजिए आपका कोई ग्रह 6ठे घर में बता रहा है, तो 6ठा घर जो है नौकरी का है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी नौकरी लग जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर मान लीजिए दूसरा घर में कोई ग्रह बैठा है जिसकी अंतर्दशा चल रही है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर वालों के संबंधित, मान लीजिए आपका कोई पारिवारिक कोई ऐसा व्यापार है, फैमिली बिजनेस जिसे कहते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें आपकी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर आप अपना कोई काम धंधा चालू कर रहे हैं, जैसा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या स्टार्टअप ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको निस्संदेह बहुत फायदा होने वाला है। और अगर आपका ऐसा कोई ग्रह है, मान लीजिए सूर्य महादशा है जो आपका 10वें घर में है, तो जैसा सूर्य चंद्र जो है आपके सरकार शासन का कारक है, तो अगर आप IAS IPS UPSC या ऐसा कोई भी एग्जाम अभी दे रहे हैं और आपका ऐसा कोई ग्रह बैठा है 10वें या 11वें घर में, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम हो सकता है। आपका जैसे यूपीएससी का मेंस हो गया, वो निकाले या प्रीलिम्स निकाले, इंटरव्यू निकाले, या कोई रेलवे का एग्जाम, या कोई बैंक पीओ का एग्जाम हो गया, कुछ भी ऐसा सरकार गवर्नमेंट से संबंधित जो है उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और केतु आपके 4थे घर में प्रवेश करने वाला है, तो केतु जब 4थे घर में घुसता है तो आपको ऐसा लग सकता है कि किसी कारणवश आपको घर में ज्यादा रहने का समय नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से, क्योंकि राहु 10वें घर में है, तो ऐसा आपको लग सकता है कि मेरा काम जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो गया, तो इसके वजह से मैं घर में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छे से सोए, क्योंकि अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो ठीक से आप काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो अच्छे से आप नींद पूरा करिए, रात को ज्यादा टीवी वगैरह मत देखिए, और इसके अलावा आप जितना भी समय आप अपने घर दे सके तो उसको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्वालिटी टाइम दीजिए आप अपने घर वालों को। ऐसा नहीं कि जस्ट नाम का बस बैठे हैं एक दूसरे के साथ ना टीवी देख के, नहीं, जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो करिए, जैसा ये मंत्र जाप हो गया, ये आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका घर का जो वातावरण है वो दूषित नहीं होगा, बहुत पवित्र हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आप जब भी घर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ आके मैं और ताजा हो गया हूँ यहाँ पे आके रात को, या आप जब भी घर आए वापस। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप अपने काम या व्यवसाय में अगर आप ध्यान लगाए, और घर वालों को भी समय दीजिए, ऐसा नहीं कि खाली बाहर ही रहिए। और क्योंकि राहु जो है 10वें में है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसा राहु ये सब का कारक है, यूट्यूब इंस्टाग्राम, शुक्र कारक है, लेकिन आजकल राहु का भी इन पे प्रभाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये माया को दर्शाता है ना, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब। तो आपका, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इसको ऑनलाइन लेके जाइए, यूट्यूब में एक चैनल खोलिए, जैसा मेरा चैनल है, तो आप वैसे प्रचार करिए अपने काम का। और आप इंस्टाग्राम में भी जा सकते हैं, और आप फेसबुक में भी जा सकते हैं, आप एड्स दे सकते हैं, तो वैसे आप अपने काम को फैला सकते हैं। राहु की शक्ति को आप लीजिए और उससे आप अपना काम फैलाइए, और तब बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है आपके दशाओं के अनुसार। ठीक है, तो अभी चलते हैं कन्या लग्न पे, कन्या राशि पे। तो सबसे पहले आपके लिए ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपके लिए ये 9वें घर में राहु गोचर करने वाला है और 3रे घर में केतु गोचर करने वाला है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें एक बार, और ओम नमो भगवते नरसिम्हाय का पाठ आप 108 बार करें, ये मंत्र आप जपे। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र आप जपिए 108 बार। तो हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ नीचे लिख रखा है मैंने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो मंत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है, नरसिंह देव का और ये हरे कृष्ण महामंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम। इसको करने में आधा घंटा तकरीबन लगता है, तो आप वो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और तो अभी आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि ये जो राहु है आपके 9वें घर में घुसने वाला है, तो 9वां घर जो राहु के लिए बहुत खराब माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि पंचम और नवम में कोई भी ग्रह बैठा हो वो हमेशा ही शुभ फल देता है, ये आप कभी मत भूलिएगा। तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में जहां पे बोल रहा है वो आपका तो बर्बादी होगा कि त्रिकोण में राहु आ रहा है, बहुत ही खतरनाक समय है ये, तो ये फालतू चीजों से आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि त्रिकोण जो होता है हमेशा ही शुभ होता है, 100%, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अभी ये 9वां घर में जो राहु घुसेगा ये आपको प्रेरणा देगा कि आप किसी गुरु से जाके शिक्षा लें, वो आध्यात्मिक चीजों में हो सकता है या कोई भौतिक चीज में भी हो सकता है। मान लीजिए आप, जैसे मैं आईटी फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मान लीजिए आपको कोई प्रोग्रामिंग सीखना है, जावा सीखना है, पाइथन सीखना है, डॉटनेट सीखना है, तो आप किसी एक संस्था में जाके जुड़ सकते हैं, आप वहां पे सीख सकते हैं, उनके जो शिक्षक है वो आपको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो 18 महीने है इनको आप शिक्षा में लगाए। ठीक है, और क्योंकि राहु है तो ऐसा हो सकता है थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है, तो हो सकता है आपका कोई जो गुरु है वो विदेशी हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है अमेरिका से कोई है जो आपको कुछ सिखा रहा है, हो सकता है लंदन से कोई है जो सिखा रहा है, या जर्मनी से कोई हो जो आपको कुछ सिखा रहा है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान से बिल्कुल समझौता मत करिए ये गोचर जब होगा। और अगर आपकी दशाओं में ये इंडिकेटेड है कि आप बाहर जाएंगे उच्च शिक्षा के लिए, तो इससे अच्छा समय आपको मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए आपका गुरु बैठा है 12वें घर में, तो 12वां घर का महादशा आपका चल रहा है, और मान लीजिए आपका चंद्रमा का अंतर दशा चल रहा है जो आपके 9वें घर में, तो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर जाए, और बाहर जो उच्च शिक्षा है उसके लिए चौथा घर साथ में आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चौथा घर या पांचवा घर भी अगर जुड़ जाए उसमें, तो ऐसा हो सकता है आप उच्च शिक्षा के लिए जाए, हो सकता है आप कोई दूसरे देश में जाए,
या आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी दशाएं देखें और फिर आप सोचे कि राहु कैसा फल देगा। और अभी केतु जो है आपके तीसरे घर में है, तो घुसेगा, गोचर करेगा तीसरे में। तो तीसरा घर जो है वो प्रचार का होता है, जैसा धार्मिक चीजें हम प्रचार करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आप दूसरों को बताते हैं, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप सुन रहे हैं। तो मैं तीसरे घर को एक्टिवेट कर रहा हूँ और आप नवे घर में, मतलब आप मेरे से ये चीज सुन रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसीलिए केतु जब तीसरे घर में होता है तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप के पास जो भी ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आप दूसरों को बांटे, ठीक है। तो अगर आप जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो आप दूसरों को समझा सकते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम क्या है, किसने लिखा है। तो इसके वजह से आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा ये केतु का तीसरे भाव में गोचर। और कुछ लोग ये भ्रांतियां फैला रहा है कि तीसरे घर में जाएगा तो आपके भाई बहनों से आपका झगड़ा हो जाएगा, ये सब मत सुनिए आप, सब फालतू की बेफिजूल बातें हैं। हाँ, अगर आपकी दशाओं में ऐसी कोई खराब स्थिति है, अगर आपके दृष्टिकांत कुंडली में कुछ खराब चीजें हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका दिन रात झगड़ा होता रहेगा, मारपीट करेंगे, सब मत सोचिए, ठीक है। आप जब भी कोई दिक्कत हो, आप नरसिंह देव का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ठीक है, नरसिंह देव का नाम लीजिए, चतुर्दशी भी आ रहा है, ठीक है। नमस्कार। तो अभी चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला लग्न जिसका है तो ये गोचर आपका राहु घुसने वाला है आठवें घर में और केतु घुसने वाला है दूसरे घर में। आपके लिए सबसे पहले ओम नमो नारायण, ये अष्टम भाव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके उपरांत ओम नमो भगवते श्री वामन आया, बहुत 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 बढ़िया है आपके लिए। उसके बाद पूर्णा मंत्र, पूर्णा मंत्र नीचे है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडलिकाक्षम सबाय अभ्यंतर सुचि। तो इन तीनों मंत्रों का उच्चारण आप करिए, 108 बार माला में करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो राहु महाराज आपके अष्टम में गोचर करने वाले हैं, तो इसके उपरांत केतु दूसरे घर में। तो ये जो है आपका जो दूसरा घर, आप जानते हैं आपका कुटुंब है, और अष्टम भाव जो है ये दूसरे लोगों का कुटुंब दर्शाता है, क्योंकि ये सप्तम से दूसरा है। तो सप्तम आप जानते हैं दूसरे लोग है, जैसा आपके पति पत्नी या कोई भी लोग जो आपसे करीबी है जिनके ना, उनके रिसोर्सेस जो है, उनकी जो संपत्ति है उसको दर्शाता है, उनका कुटुंब जो है वो दर्शाता है। तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी दशाएं जैसे अर्थ त्रिकोण से जुड़ा हुआ है, 2, 6 या 10 या एकादश भी उसमें जुड़ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप अगर विवाहित है तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो बीवी की जो भाई है उनसे आप कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करें, या ऐसा हो सकता है कि आपके जो सास ससुर है उनसे आप फिर से कनेक्ट हो जाए, उनसे आप और कोई व्यवसाय संबंधित कोई और चीज आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा है कि आपका जो आपके जो ग्रह है जिनकी दशाएं चल रही है, वो मान लीजिए आपके चौथे घर में या पांचवें या नौवें में बैठा है, और आप मान लीजिए आप उच्च शिक्षा में है, जैसे आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या आप बैचलर्स कर रहे हैं या पीएचडी आप कर रहे हैं, तो आठवां घर जो है वो रिसर्च का भी घर है। तो इसकी तो 100% संभावना है कि आप कोई बहुत ही ऐसा बढ़िया आविष्कार करें, ऐसा इतना बढ़िया रिसर्च आप करें कि लोग उसको देख के दंग रह जाए, कि लोगों को समझ में ना आए कि ये आदमी ने ये काम कैसे कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए रिसर्च में आप जाना, कोई भी चीज में आप गहराई में घुसना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके उपरांत आपको ये भी देखना है कि केतु जो है दूसरे घर में गोचर कर रहा है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो ये जो तीन मंत्र मैंने लिखा है, ये आप कुटुंब जो आपका है, शादीशुदा है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा घर आपका कुटुंब है,
इसलिए आप अपने घर वालों के साथ बैठ के ये तीन मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि केतु जो है आध्यात्मिक चीजों का कारक है। और इसके अलावा आपको ये भी हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो दूसरे घर में जब जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे जो घर वाले हैं उनके साथ मैं मेरे संबंध जैसे है उनको सुधारिए, उनको सुधारने का आपको मौका मिल सकता है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि राहु अष्टम में है, अगर आपकी शादी हो गई है तो ऐसा हो सकता है कि ये 18 महीने जब ये गोचर रहे तो आपका जो ध्यान है वो आपके माता पिता से थोड़ा हट के आपके सास ससुर के जो घर है उसमें चला जाए, क्योंकि अष्टम जो है वो वहां पे राहु बैठा है। तो अगर ऐसा कोई स्थिति आ जाता है आपके जीवन में कि हो सकता है आपको ऐसा जाके आपके जो पति है उनके घर में रहना पड़े ज्यादा, या आपके पत्नी के घर में रहना पड़े उनके मायके में, तो ऐसा हो सकता है आपके अपने घर छोड़ के आपको किसी और के घर में ऐसा रहना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी दशाएं कैसी है, वो कैसी दशाएं आपकी चल रही है। और अगर ऐसा है कि मान लीजिए आपका तीसरा घर का दशा चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके भाई के घर जाके आपको रहना पड़े, भाई के ससुराल में जाके आपको रहना पड़े थोड़े दिन के लिए। तो ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है? तो निराश मत होइए, बस करते जाइए, जो भी आपको ठीक लगे आप दशा के अनुसार करिए, और ये जो गोचर है आपके लिए शुभ फलदायी होगा अगर आप ये मंत्र, तीन मंत्र अच्छे से जाप करते हैं, ठीक है? 108 बार। तो अभी चलते हैं वृश्चिक लगन पे, वृश्चिक राशि। तो आपका जो गोचर हो रहा है, राहु महाराज सप्तम में प्रवेश करने वाले हैं और केतु महाराज लगन में प्रवेश करने वाले हैं, और आपके लिए तीन मंत्र बहुत आवश्यक है, इनको 108 बार करिए रोज, तीनों को अलग अलग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके बाद पूर्ण मंत्र में नीचे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पूर्ण मंत्र ये है, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यह स्मरेत पुंदरीकाक्षम सा बाह्याभ्यंतर शुचि। उसके बाद आपको ओम नमो भगवते नरसिंहाय करना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, ये आपका सप्तम और लगन का गोचर है, ये बहुत ही प्रामाणिक गोचर होने वाला है आपके लिए। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा मेरे जीवन में? तो मान लीजिए आपके जो ग्रह है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दशाएं बताती है आदमी के जीवन में क्या होता है, गोचर से कुछ नहीं होता। तो आपका अगर दूसरे या सप्तम या 11वें घर का गोचर आपका हो रहा है, दशाएं आपकी चल रही है, तो मान लीजिए आपका गुरु दूसरे घर में, और जो शनि है वो 7वें घर में है, और चंद्र जो है 11वें घर में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो दूसरा, सातवां और 11वां, ये तीनों जो है ये विवाह के घर माने जाते हैं ये। तो ऐसा हो सकता है कि आपका विवाह हो जाए अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, और अगर आप ऐसे ही शादीशुदा है तो आप देखेंगे कि अभी YouTube में कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाएंगे जो बोलेंगे कि ओ वृश्चिक लगन वाले सावधान, राहु सप्तम में आ रहा है, आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा, ठीक है, या आप धोखा देंगे उसको, ऐसी चीजें आपको बताएंगे वीडियोस में। लेकिन ये सब बकवास है, सब कुछ कुछ मत सुनिए, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि राहु हमेशा ही किसी ना किसी के सप्तम में गोचर करता रहता। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही किसी ना किसी का कुछ ऐसा कोई धोखा दे देता है या किसी का कोई अफेयर होता है किसी से। तो ये सब भ्रांतियों पे आप विश्वास मत करिए, आप अपनी दशाएं देखिए, ठीक है? दशाओं में जो लिखा है वही होता है। तो मान लीजिए आपका पंचम भाव का दशा चल रहा है, पंचम भाव और फिर आपका 8वां घर किसी तरीके से संबंधित है, तो ऐसा हो सकता है आपको किसी से प्रेम हो जाए ना, और क्योंकि वो राहु है तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी दशा भी राहु केतु या शनि की है तो हो सकता है वो किसी दूसरे धर्म का हो या दूसरे प्रांत से हो, दक्षिण भारत में अगर आप है तो उत्तर भारत का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप ये क्योंकि सप्तम में हो रहा है ये, तो ये जो आपका प्रेम संबंध है उसको आप विवाह में उसको फलित कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मिले, उनसे
प्रेम करे और फिर आप दोनों की शादी हो जाए, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर दशाओं में है तो हो जाएगा ये 100%। और क्योंकि सप्तम जो है वो दूसरे लोगों का भी है, मतलब आपके खाली जीवन साथी का ही नहीं है, किसी भी दूसरा इंसान जो है वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इसलिए सप्तम भाव में राहु गोचर करता है तो अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रांत के लोग आपको मिल सकते हैं। आपको लग सकता है कि अचानक से मेरा जो मेरे जो लोग है आजू बाजू में वो चेंज हो गए है ना। तो इसके बाद आपका जो केतु है वो लगन में गोचर करेगा। तो केतु जब लगन में गोचर करता है, ये एक बहुत अच्छा समय है आध्यात्मिक चीजों में रुझान लाने के लिए। तो आप कोई भी संस्था से जुड़िए, आध्यात्मिक संस्था से आप जुड़िए, जैसे कोई नरसिंह देव की पूजा जहां हो सकती है तो अहोबिलम आप जा सकते हैं ना, दक्षिण दक्षिण भारत में जो है साउथ इंडिया में है तो वहां पे आप जा सकते हैं। नरसिंह देव का बहुत सारा मंदिर है अहोबिलम में, तो वहां जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और आप वृंदावन भी जा सकते हैं क्योंकि आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत जरूरी है, जो कृष्ण से संबंधित है। और आप कोई भी विष्णु मंदिर जा सकते हैं, पूर्ण मंत्र जो है भगवान विष्णु का मंत्र है। और आप आध्यात्मिक चीजें करिए और इस जब आप ये करेंगे आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत उन्नति हुई है, आप अंदर से ज्यादा संतुष्ट हो गए, आप अंदर से ज्यादा प्रसन्न हो गए, जैसा कहा जाता है कि प्रसन्न आत्मा ना, तो ऐसा आप हो जाएंगे। तो इसकी चिंता मत करिए और अच्छी चीजें करिए तो केतु जो लगन में बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है। उसके उपरांत हम चलते हैं धनु राशि पे। धनु राशि के लिए ये गोचर हो रहा है छठे घर में और बारहवें घर में। इसके बाद आपको सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसमें आधा घंटा लगता है, तो ये अच्छे से पढ़िए आप। इसके बाद दो मंत्र है जो आपको रोज करने हैं, 108 बार माला लेके करिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र मैंने नीचे लिख रखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो धनु राशि के लिए ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हो जाती है। तो अभी जैसे देखिए, ये आपका छठा घर में राहु घुसने वाला है और बारहवां घर में केतु घुसने वाला है। तो अभी ये आपको कैसे पता चलेगा क्या होगा आपके जीवन में, तो आपको देखना है कि आपकी दशाएं क्या बता रही है। तो छठा घर जो है बहुत सारी चीजों को बताता है, वो नौकरी को बताता है, नई नौकरी बताता है। अगर आप नौकरी नहीं है आपके पास तो कोई पहला नौकरी आपका हो सकता है, अगर आप 20, 21, 22, 23 के आसपास के उम्र के हैं। अगर आप ऑलरेडी एक नौकरी है आपके पास तो ये बता सकता है आपको कोई नया नौकरी मिले, ऐसा हो सकता है कोई दूसरी कंपनी में आपको नौकरी मिले, क्योंकि राहु जो है वो अलगाववादी है, सेपरेटिव बोलते हैं जिसको। तो इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको अपना कंपनी छोड़ के एक दूसरे कंपनी में जाना पड़े, दूसरी संस्था में जाना पड़े। और अगर आपकी दशाएं दसवें घर से संबंध बना रही है तो और ग्यारहवां घर भी उसमें जुड़ गया है, तो ये बहुत बड़ा आपका कोई नौकरी हो सकता है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मान लो अगर आप जैसे मैं आईटी से हूं तो मैं उसका उदाहरण दूंगा, जैसे जो टॉप 4 कंपनीज है जिसको बोलते हैं ना, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फेसबुक हो गया, या अमेजोन हो गया, या ऐसी कंपनीज जो है, इन कंपनीज पे आपकी नौकरी लग सकती है। और राहु जो है विदेश का भी कारक है, तो अगर आपके कोई अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा के स्वामी अगर आपके 9वें या 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको अमेरिका से कॉल आ जाए कि हमारे देश में आइए, ये अमेजोन का नौकरी हम आपको देंगे, ऐसा हो सकता है। वो आपके दशा पे निर्भर करेगा। इसके अलावा केतु जो है आपके 12वें घर में गोचर करेगा। तो केतु जब 12वें घर में गोचर करता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो ये धार्मिक स्थलों पर आप जा सकते हैं। तो क्योंकि राहु केतु जो है वो दूसरे देशों के चीजों को भी बताता है, तो भारत में आप ये, क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जैसे तीर्थ यात्रा भी 12वें घर से देखी जाती है, तो आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, चार धाम यात्रा में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
और जब भी केतु 12वें घर में जाता है ना, तो एकांत में थोड़ा ध्यान लगाइए, चिंतन करिए, आप सोचिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या चीजों में आप बेहतर कर सकते हैं, किन चीजों में आप पीछे रह गए. दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आप क्या चीजें करना चाहते थे जो आप खुद ही नहीं कर पाए, अपने आलस के वजह से आप में दृढ़ता नहीं थी, तो ऐसी वो क्या चीजें थी जो आप नहीं कर पाए. तो अभी आप धर्म और आध्यात्म में जुड़िए, तीर्थ यात्रा करिए ना, जाइए, बनारस जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, आपकी दशाएं जैसी है वहां पर उसके अनुसार वो पता चलेगा. तो इसके वजह से आप ये देख सकते हैं कि आप तीर्थ यात्राएं करेंगे तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे अंदर से, ठीक है. इसके अलावा विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आप वेटिकन सिटी जा सकते हैं, वहां पे आप जाके प्रणाम कर सकते हैं. उसके बाद आप कोई भी जैसा इजराइल जा सकते हैं, या कोई भी दूसरे किसी धर्म के संस्था में भी आप जा सकते हैं. तो बहुत बढ़िया है, जहां से भी ज्ञान मिले उसको लीजिए आप. इसके अलावा राहु का जो छठा घर में गोचर है, ये आपके आपकी जो तबीयत है उसके लिए आपको ध्यान ध्यान लगाना पड़ेगा कि आप जो तामसिक चीजें जैसे शराब या मीट, जैसे मछली, अंडा, ये सब आप ना खाए, तो इनसे दूर रहिए और योग करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, रोज करिए. तो इससे आप सुनेंगे यूट्यूब में कुछ लोग बोलेंगे राहु छठे घर में आके आपको बहुत भयानक बीमारी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर आप अपना भोजन सात्विक रखते और सूर्य नमस्कार प्राणायाम इत्यादि करते रहते तो आपका तबीयत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. तो अभी चलते हैं मकर लग्न पे, मकर राशि पे. तो मकर लग्न, मकर राशि आपके लिए राहु महाराज पंचम स्थान में गोचर करने वाले हैं और राहु केतु जो है एकादश में जाने वाले हैं. तो आपके लिए ये तीन मंत्र है बहुत आवश्यक है. सबसे पहले हो गया ओम नमो नारायणाय, उसके उपरांत ओम नमो भगवते नरसिंहाय, उसके उपरांत ओम नमो भगवते श्री वामनाय. तो ये कृष्ण, नरसिंह और वामन देव, तीन तीनों का मंत्र है, बहुत आवश्यक है आपके लिए. तो इसके वजह से आप ये देख सकते हैं, ये मंत्र तीनों आपको 108 बार जपना है, हर एक मंत्र, ठीक है. माला लेके करिएगा, बहुत आवश्यक है. तो राहु आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहा है, तो अगर आपकी शादी हो गई है और आप संतान के इच्छुक है, संतान नहीं है आपके पास, तो अभी सबसे बढ़िया टाइम है, संतान हो सकता है आपका. अगर मान लीजिए आपका कोई ग्रह बैठा है पंचम में, उसकी दशा चल रही है, तो संतान का योग बन सकता है, ठीक है. और अगर आपका कोई ग्रह पंचम या अष्टम या द्वादश में बैठा है और उनकी दशाएं चल पड़ती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से प्रेम संबंध आपके जुड़ नए प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके किसी से. और इसके उपरांत ये भी हो सकता है कि आपका उनसे विवाह हो जाए. क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 11वां घर जो है, भले ही केतु उसमें गोचर कर रहा है, लेकिन 11वां घर जो है वो आपका जो प्रेम संबंध है उसको विवाह में तब्दील कराने में वो सहायता करता है हमेशा, ठीक है. और मान लीजिए आपका कोई ग्रह सप्तम में बैठा है, तो ये तो शत प्रतिशत है कि आपका होगा ही विवाह उस इंसान से, ठीक है. और इसके अलावा पंचम जो है वो आपका मंत्र दीक्षा का भाव है, तो अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, किसी गुरु से, तो ये सबसे उत्तम समय है आपके लिए दीक्षा लेने के का वो गुरु से, ठीक है. और क्योंकि राहु पंचम में घुसने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके जो गुरु है वो थोड़े थोड़े अलग हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको लगा था कि मैं ये गुरु से दीक्षा लूंगा, लेकिन बाद में ऐसा लग सकता है कि मैं इनसे ना लेके किसी और से लू, ठीक है. हो सकता है कि वो कोई विदेशी गुरु है, मान लीजिए जो दूसरे धर्म के, मान लीजिए उन्होंने भारत आके उन्होंने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की, अभी वो भी दीक्षा देते, तो ऐसा हो सकता है. मैंने देखा है जब राहु पंचम में घुसता है तो ऐसी चीजें होती है. तो इसके अलावा पंचम जो है वो क्रिएटिविटी का भी है, तो आप ये चीजें देखिए कि आप अपने लाइफ में कैसे नई नई चीजें आप कर सकते हैं. जैसा उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगा कि
आप ये देख सकते हैं कि आपकी हॉबीज क्या थी ना, किन चीजों में आपको बचपन में रुचि रहती थी। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये जैसे शादी के चक्कर में हो गया, या ये करियर, व्यवसाय, नौकरी, सबके चक्कर में कहीं ना कहीं हम ये अंदर भूल जाते हैं कि हम भी, हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम भूल जाते हैं। तो आप ये देखिए आपको किन चीजों में पहले रुझान था और अभी उन चीजों में फिर से रुझान पैदा करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जैसे कोई एकादश में जैसे केतु का गोचर है, तो केतु जो है वो धार्मिक या आध्यात्मिक चीजों को बताता है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो, अगर आपके जो दोस्त है आपके आजू बाजू, वो लोग अगर जैसे तामसिक चीजें करते हैं ना, ये मूवीज सिनेमा वगैरह ज्यादा देखते हैं, या मीट मुर्गा मछली ये अंडा वगैरह ये सब खाते हैं, शराब पीते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि केतु आपको एक सबक दे सकता है कि इनसे दूर रहिए, ठीक है। इनके साथ संग मत करिए आप। और इसके अलावा तो आप किससे संग करेंगे, ऐसा थोड़ी है घर में बैठे रहेंगे आप। आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़िए, क्योंकि एकादश जो है वो संस्थाओं का घर है, तो आध्यात्मिक संस्था से जुड़िए। आध्यात्मिक गुरु भाई, आपके गुरु भाई से मिलिए, गुरु बहन से मिलिए, आप गुरु से मिलिए, गुरु माता से मिलिए, उन लोगों से मिलिए जो आपके जीवन को और बेहतर करेंगे ना, उनके साथ मिलके मंत्र करिए। मंत्र पंचम है और एकादश वो सत्संग है, ठीक है, क्योंकि वो संग में किया जाता है दूसरे लोगों का। तो कोई सत्संग में आप जाइए, उनसे जुड़िए, तो इसके वजह से क्या होगा, आपको आपको ये केतु का जो एकादश में गोचर है, अगर आपके जो भौतिक स्तर पे आपके जो दोस्त हैं उनसे कोई मन मुटाव भी हो गया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके नए दोस्त बन जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। अभी कुंभ लगन की ओर चलते हैं, कुंभ राशि की ओर। तो ये राहु आपका छठे घर, चौथे घर में जाने वाला है और केतु 10वें घर में जाने वाला है। तो ये गोचर के दौरान आपको ये तीन मंत्र करने हैं रोज 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, उसके उपरांत पूर्ण मंत्र। पूर्ण मंत्र में नीचे लिख रखा है यहाँ पे, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम स बह्याभ्यंतर शुचि। तो ये तीन मंत्र आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि चौथा घर जो है वो आपके सुख सुख का स्थान है। तो आपके लिए ये तीन में से सबसे जरूरी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबसे प्रमुख मंत्र है चतुर्थ भाव का। तो इसको आपको करना चाहिए अच्छे से, ये तीनों को 108 बार, ठीक है। और क्योंकि वो शुद्धि का घर है चौथा घर, तो इसीलिए ये पूर्ण मंत्र दिया है। इसमें देखिए, ओम अपवित्रो पवित्रो वा, मतलब ये भगवान विष्णु को संबोधित कर रहा है जो पवित्र है, सबसे पवित्र है, इनको कभी अपवित्रता कभी छू भी नहीं सकती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपके लिए ये तीन मंत्र करना, ठीक है। इसके उपरांत अभी चर्चा करते हैं कि ये गोचर कैसा होने वाला है आपके लिए। तो अभी चौथे घर में राहु प्रवेश करेगा आपके, तो चौथा घर जो है आपका ज्ञान का घर है। ये जो प्रिलिमिनरी स्कूल है या प्रिलिमिनरी शिक्षा जो हम लेते हैं वो उसके लिए ये देखा जाता है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है उच्च शिक्षा पीएचडी वगैरह भी देख सकते हैं आप चौथे घर से। तो राहु चौथे में घुसेगा, तो इसके कारण यदि आपके कोई भी ऐसे प्लान्स है कि आप कोई भी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं कहीं किसी दूसरे देश में जाके, आप रशिया जाके या जर्मनी आके या फ्रांस जाके या किसी भी दूसरे देश में जाके आप लेना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए। और ये वो भी टाइम है, समय है कि चौथा घर जो है वो आपके माता का घर है, तो आप अपने माता से संबंध अच्छे करिए। माता से अगर आपके संबंध थोड़े ढीले पड़ गए हैं क्योंकि आप अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं, तो आप उनसे बातें ज्यादा करिए, उनसे उनके साथ समय ज्यादा बिताइए, तो उनके तो उससे क्या होगा, आपको और सुख मिलेगा अंदर आपकी माँ से। और अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है मान लीजिए, तो वाहन संबंध वाहन सुख भी मिल सकता है, आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। या शनि और मंगल अगर जुड़ गए इसमें, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीदे, क्योंकि चौथा घर जो है घर घर है, नया घर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और केतु जो है 10वें घर में है, तो
दसवां घर जो है वो बताता है कि हम एक बड़े स्तर पे क्या करते हैं जीवन में। तो अभी आपके लिए ये जरूरी है कि आप ये देखिए कि मैं पूरी जिंदगी में काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैंने शादी कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने कंपनी खोल लिया, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैंने लाखों कमा लिया, अरबों रुपए कमा लिए मैंने, या मान लीजिए आपने कुछ नहीं कमाया या कुछ नहीं किया आपने जीवन में, लेकिन ये सोचिए कि ये सारी चीजें जो मैंने करी है इसका इसका प्रयोग मैं कहाँ करूंगा। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी जिंदगी आप खाली काम ही करते रहिए। तो ये केतु जब दसवें घर में जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है कि आप आपके दशा के अनुसार अब ये देखने का कोशिश करिए कि मैं अंदर से सुखी हूं कि नहीं। तो मान लीजिए आप ऐसा कोई एक करियर फील्ड में है जिसमें आप बस ऐसे ही काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वेतन मिल रहा है या आपका रोजी रोटी चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है ये देखने का कि मैं इसको बदल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा कोई एक कैरियर ले सकता हूँ, ऐसा कोई कंपनी से जुड़ सकता हूँ जो मेरे मेरे जो स्वभाव है उसके अनुसार जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, ना कि खाली पैसे के लिए या वेतन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं अभी कि मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये दोनों में आप देख सकते हैं कि तालमेल कितना बैठ रहा है। तो केतु जब दसवें घर में जाता है तो आप एक नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके पसंद के अनुसार हो, पसंद मतलब पैसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन जो आपके स्वभाव के कॉन्टेक्स्ट में हो, ठीक है, जो आपका स्वभाव जैसा है वैसी चीजें आपको पसंद है तो वो आप कर सकते हैं। तो तब ये जो दसवें घर में केतु का जो फल है ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से इसका प्रयोग करिए और ये अच्छा होगा आपके लिए। अभी अंत में चलते हैं मीन राशि की ओर। मीन लगन, मीन लगन के लिए तीसरे घर में राहु प्रवेश करने वाले हैं, नवे घर में केतु प्रवेश करने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में एक बार करना। इसके उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। विष्णु सहस्त्र नाम एक बार, आधा घंटा लगता है उसमें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार माला में, फिर ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, बहुत जरूरी आपके लिए, ठीक है। तो अभी राहु जो है तीसरे घर में आपका प्रवेश करेगा, तो इसके वजह से राहु का तीसरा घर जो है वो बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है क्योंकि वो उपच्चय भाव है। तो इसके लिए आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो पराक्रम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अचानक आपको लगेगा कि आपके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि आप जो चाहते वही कर सकते हो वो, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी होता है, आपके अंदर अहंकार आ सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा यही याद रखिएगा कि केतु नवे में है, तो अगर राहु आपको तीसरे घर में, अगर आपने गलती से अहंकार में आके किसी को बेइज्जत कर दिया आपने या कुछ ऐसा कर दिया कि जो नहीं करना चाहिए था, तो केतु नवे में है तो ये आपको तकलीफ में डाल सकता है, ठीक है। तो पराक्रम बहुत बढ़िया है, पराक्रम होना चाहिए, वो एक वो निशानी है एक महापुरुष की, बहुत पराक्रमी होता है महापुरुष, पुरुष या स्त्री जो भी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें, ठीक है। तो इसलिए आप अपने पराक्रम को अच्छे जगह इसका सदुपयोग करिए। जैसा अगर आप कोई एक ऐसा नया नौकरी ढूंढना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा कंपटीशन हो, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती, इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू का घर है तीसरा घर, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए। दिन रात पढ़िए, दिन रात मेहनत करिए इंटरव्यू के लिए, फिर वो बड़ी वाली नौकरी आपको मिल सकती है, ठीक है। और तीसरा घर जो है प्रचार का भी है वो, तो इसके वजह से आपके लिए प्रचार के अलग अलग नए नए रास्ते खुल सकते हैं। जैसा आप YouTube में, अगर मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उसका आप एक YouTube चैनल खोल सकते हैं, उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, फेसबुक में आप एड्स डाल सकते हैं, फेसबुक में पेज खोल सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये, ताकि मान लीजिए आप कहीं पे भी बैठे, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में, किसी भी किसी भी जगह आप है, तो ये जो सोशल मीडिया है इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होगा,
पूरी दुनिया में चीजें फैल जाएंगी आपके बारे में। मान लीजिए आप किताब लिखते हैं तो उसको आप अमेजोन पे अपलोड कर दीजिए तो दुनिया में से कोई भी कहीं से भी वो खरीद सकता है। तो ये तीसरा ग्रह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इसका सदुपयोग करें, ठीक है। और नवे घर में केतु का गोचर हो रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। नवा घर केतु के लिए मेरे मुताबिक सबसे अच्छा स्थान है ये, क्योंकि नवा राशि जो धनु राशि है केतु के लिए उच्च राशि है वो, ठीक है। तो अभी केतु तो नवे घर में, राहु तीसरे में, जिसका मैंने बता दिया राहु का। तो अभी केतु नवे घर में जब होता है तो कभी कभार आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आ सकता है कि मुझे किसी चीज का इस पर्टिकुलर एरिया में ये चीज का ज्ञान मुझे नहीं है। तो इसका उपाय क्या है, आप अपने गुरुओं से आप ज्ञान लीजिए, क्योंकि नवा घर जो है गुरु का है। तो अभी ये सबसे जरूरी है आपके लिए कि आप एक जैसे आपका कोई, अगर आप मान लीजिए ज्योतिष सीख रहे हैं तो किसी गुरु के पास जाके सीखिए, ऐसे हवा में मत सीखिए, यूट्यूब वीडियो देखे या ऐसा करके या कोई किताब पढ़ के ऐसे नहीं होगा। आपको एक गुरु के पास जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे सिखाइए ज्योतिष, या उनका कोई क्लास ज्वाइन करिए, उनका कोई संस्था से आप जुड़िए, ठीक है। तो आध्यात्मिक चीजें भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है कि आप एक गुरु से जाके अध्यात्म का ज्ञान लीजिए, ना कि खाली किसी का वीडियो देखते रहिए या कोई आप धार्मिक शास्त्र पढ़े। शास्त्र तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन ये जो 18 महीने हैं इसमें ये मंत्र आप अच्छे से करिए। और आप अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो बढ़िया बढ़िया है, या तो आप अपनी पढ़ाई और तीव्रता से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा, ठीक है। नमस्कार।